क्या हुआ सिम, ढूंढ रहे किसी को? हे पूजा, हाँ लोकेश को ढूंढ रहा हूँ। ओ, कल रात जो तुम लोगों ने उसे अनीता के कमरे में जाने के लिए कहा, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता है वो कितना डरा हुआ था? कम ऑन या पूजा, इसमें डरने वाली क्या बात है? इतना आसान सा काम तो दिया था हमने उसको। इतना आसान सा काम? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अनीता के कमरे में जाना कितनी बड़ी बेवकूफी है। स्टॉप इट यार, आई डोंट नीड योर लेक्चर्स। वैसे परेशान कर रखा है। हेलो केश, हेलो केश, हेलो केश, तू रोहित और कार्तिक को बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। मुझे तेरी कल रात वाली किसी बात पर यकीन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। अबे ओए, अपना ड्रामा बंद कर, चल चल चल, बता उस रात कमरे में क्या हुआ था। अरे जो कुछ हुआ सब बता तो दिया तुम लोगों को। मुझे तो क्या लंगूर समझता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तो अनीता से मिला ही नहीं। मिला ही नहीं तो फिर वो दुपट्टा कहाँ से आया? यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि वो दुपट्टा कहाँ से आया। तुम जाकर अनीता से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? सारी दुनिया जानती है कि अनीता मर चुकी है, उसने आत्महत्या की थी। हाँ मुझे मालूम है, उसने आत्महत्या की थी। क्या? उसने मुझे खुद बताया है। क्या? हाँ अनीता ने मुझे ये भी बता दिया है कि उसने आत्महत्या किसकी वजह से की है। बहुत बेचैन है तुम तीनों से मिलने के लिए। हम तीनों से मिलने के लिए? हाँ, और आज रात 12 बजे इसी बिल्डिंग के टेरेस पर वो तुमसे मिलेगी। ठीक 12 बजे। अच्छा वो मिलेगी टेरेस पर? अनीता ने बताया तुझे? हाँ उसने कहा तुम तीनों को बता दो। तो कल रात को क्यों नहीं बताया तूने मुझे? तुम लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे कि अनीता है कि भी नहीं, और अगर विश्वास नहीं है तो जाकर टेरेस पर क्यों नहीं देख लेते? आज रात 12 बजे। सीनियर से बकवास करता है, दू क्या कान के नीचे, चल बंद कर अपनी फेकम फाकी। क्या ये भी फेकम फाकी है कि जिस दिन अनीता ने आत्महत्या की थी उस दिन तुमने कुछ जलाया था? बोलो याद है ना तुम्हें? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। डराने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम आलोकेश हो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं, बंद करो मजाक, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो तुम ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। मर चुकी हूं मगर तुम्हें मारने आई हूं।
मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। कैसे नहीं था, तुम भी तो थे ना उनके साथ। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। रोहित और कार्तिक ने मुझसे जैसा कहा मैंने वही किया। प्लीज तुम उन्हें जाके मारो ना, मुझे छोड़ दो। उन्हें तो मैं मार ही दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज, तुम ही हो ना जिसने मेरा सुसाइड नोट चला दिया था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से दुनिया के सामने मेरी मौत का सच नहीं आ पाया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो सुसाइड नोट जो मैंने लिखा था। लेकिन वो मैं कहां से लाऊं अभी? वो तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, तुम्हें वो सुसाइड नोट वापस लाना ही पड़ेगा, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अनीता प्लीज, अनीता मैंने कुछ नहीं किया, अनीता मैं बिल्कुल निर्दोष। मैं जिंदगी से बहुत उदास और परेशान हूँ, क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी। मैं पूरे होश आवाज में इन सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। चाहिए था क्या? अरे तुझे तो केमिस्ट्री नोट चाहिए, बुकशेल्फ पर रखे, ले ले। आशीम, आशीम, अरे यार तू टेढ़ा क्यों हो रहा है? तू आज आलोकेश से मिलने वाला था ना, उसने अनीता के रूम के बारे में कुछ बताया या नहीं? तू ऐसे क्यों देख रहा है यार? आर यू ओके? कुछ बोलता क्यों नहीं? आलोकेश से मिला या नहीं? हाँ, मिला था आलोकेश से। कुछ गड़बड़ है, वरना हाशिम कहीं हाशिम और आलोकेश के बीच कुछ हुआ तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। रोहित, 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 क्या हुआ कार्तिक? रोहित, तुझे पता क्या हुआ? हाशिम आया था और पता नहीं उसे क्या हो गया यार, वो लड़की की आवाज में बात कर रहा था। लड़की की आवाज में? हाँ यार, और उसका चेहरा भी टेढ़ा हो गया। कोई बड़ा मजाक कर रहा है क्या? जब से वो आलोकेश से मिलकर आया ना, तभी से उसे कुछ हो गया। शायद तेरा वहम है। अरे कैसा वहम यार, वो मेरे कमरे में आया था, मुझे अजीब तरीके से देख रहा था, और तुझे पता है वो अनीता की आवाज में बात कर रहा था। अनीता की आवाज में? मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ यार, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो चल अपनी आंखों से देख ले। कम क्या सोच रहा है यार? ओके, आज वे चलो।
तो सो रहा है यार। आशिम, 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 आशिम उठना, आशिम, आशिम, आशिम उठना, आशिम, 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 आशिम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तुम्हारे गुनाहों का पर्दा जल्दी ही उठने वाला है। ये तू क्या मजाक कर रहा है यार? तुम्हारे किए की सजा तुम्हें बस मिलने ही वाली है। ये तू लड़की की आवाज कहां से निकाल रहा है? हाशिम, ये ड्रामा बाजी क्या कर रहा है यार? हाशिम, 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 लोकेश की चाल है, बदला लेना चाहता है वो उनसे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसी ने हाशिम को अपने साथ मिलाया है ताकि वो हमें परेशान कर सके। ये सब ड्रामा है उन दोनों का। ये लड़की की आवाज वगैरह, उसको तो मैं ठीक करता हूं। तू बस ये पता लगा करा कि अलोकेश का बच्चा है कहां। अलोकेश, अलोकेश जी, अलोकेश कहाँ है? वही जी, कल से मैंने भी नहीं देखा उसे, लेकिन कल वो आशिम के साथ था। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे पता नहीं, लेकिन आप आशिम से पूछ लीजिए, उसे ही पता होगा। कल से अलोकेश रूम पे नहीं आया? नहीं, इनफैक्ट मैं भी हैरान हूँ कि वो गया कहाँ। देखिए, मुझे लगता है कि इसने कोई बहुत भयानक सपना देखा है और इसी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? इसे आराम की सख्त जरूरत है। आप इसे इसकी फैमिली के पास भेज दीजिए। मेरे ख्याल से माहौल बदलेगा तो ये सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है डॉक्टर, हम ऐसा ही करेंगे। मगर डॉक्टर, आशिम की आवाज़ को क्या हो गया है? वो लड़कियों की तरह क्यों बोल रहा है? कभी कभी डर की वजह से भी ऐसा होता है। हमारे अंदर बहुत सारे उल्टे सीधे विचार छुपे रहते हैं और किसी शॉक की वजह से वो सब बाहर आ जाते हैं। पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं ठीक होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द इसे घर भेजने का इंतजाम कीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी डॉक्टर। कार्तिक जी, तुम्हारे पास आशिम के घर का नंबर? जी हाँ, वो मैंने डायरी में लिखा हुआ है। तो चलो लेकर ला दो। गो। ये क्या? बदला आशिम, बदला, बदला।
अशीम ये तुम्हें क्या हो गया? अपने आप को संभालो अशीम। बदला ले रहा है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा दिलवानी है मुझे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में आओ अशीम। बदला लेना है मुझे कार्तिक से। वो तो तुम्हारा दोस्त है। बदला लेना है मुझे कार्तिक से। बदला। डॉक्टर, आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? अशीम, अशीम रिलैक्स, रिलैक्स अशीम। उसी ने मेरी मौत को एक राज बना दिया है। जब मैंने आत्महत्या की तो एक लेटर लिखा था, वो लेटर उसकी ब्राउन डायरी में है। मुझे वो लेटर चाहिए, मुझे वो लेटर चाहिए। लेट मी चेक। बदला लेना है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा देनी है मुझे। अशीम, देखो तुमने जो सपना देखा उसे भूलने की कोशिश करो। अभी चुप कर डॉक्टर के बच्चे। मैंने कहा ना मुझे लेटर चाहिए, क्योंकि वो लेटर ही साबित कर सकता है कि मैंने आत्महत्या क्यों की। मुझे वो लेटर चाहिए। जाओ वो लेटर लेके आओ। एक लड़का, लड़की की आवाज। डॉक्टर, डॉक्टर कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर एक लड़का लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? अशीम, डॉक्टर आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? कुछ गड़बड़ है। खराब होती जा रही है। लेटर चाहिए। अशीम, मुझे वो लेटर चाहिए। संजीव, जल्दी से मेरे चैंबर में लेटर। अरे रोहित, तुम? सर, मैं वो बस अशीम को देखने आया था। चलो अच्छा हुआ, मैं चलता हूँ, तुम इसका ख्याल रख। यस सर। अशीम, अब ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। तुम लोगों को भी उसी तरह सजा मिलेगी जैसे यहां मुझे मिल रही है। सजा को छोड़, मुझे तो तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं जब से उस बेवकूफ अलोकेश से मिला है तब से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बक नहीं रहा हूं, तुम लोगों को सावधान कर रहा हूं। एक बार जो गलती कर चुके उसे दोबारा मत करो। और हाँ, कार्तिक की तरफदारी करना बंद करो, वरना बहुत पछताओगे। पछताओगे तो तुम और तुम्हारा वो बेवकूफ दोस्त अलोकेश। सीधे सीधे बताओ मुझे कहाँ छिपा है वो? मेन बिल्डिंग की छत पर, अनीता के साथ। क्या, अनीता के साथ? मुझे लगता है तेरी तबीयत के साथ साथ तेरा दिमाग भी हिल गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अनीता की एक और निशानी। ये क्या है? अनीता का दुपट्टा। नहीं नहीं कुछ नहीं। अनीता के बारे में क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं पूजा। रोहित मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक, मुझे लगता है अशीम ठीक कह रहा है, अनीता की आत्मा वापस आ गई है। अरे डर के मारे तो दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें सोचा, भला मरकर भी कोई वापस आता है बेवकूफ कहीं का। लेकिन अनीता वापस आ गई है, अशीम सच कह रहा है। सच तो एक तरह डर लग रहा है ना। लेकिन कार्तिक, मेरे ख्याल से अलोकेश को हमारे राज के बारे में पता चल गया है और वो पूजा के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं मगर, अगर मगर छोड़ो, चलो मेरे साथ। कम अलोकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अशीम ने तो यहीं पे बोला था। वो देख, वो रहा। कम। हीरो, तेरा ड्रामा बहुत हुआ। ये आत्मा वात्मा का नाटक छोड़ और साफ साफ बता ये चक्कर क्या है। अब की बार अनीता तुम्हें नहीं छोड़ेगी और इस बार वो अपना बदला लेकर रहेगी। अच्छा, जैसा हाल तुमने उसका किया था ना,
मैं सब तुम्हारा होगा। अच्छा, तुझे कैसे पता ये सब? हाँ, अनीता ने खुद मुझे बताया। बकवास है ये सब। अनीता मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, तो अनीता तेरे पास वापस आके ये सब कैसे बता सकती है? ये लो। क्या ये? इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहां से मिला ये? मैंने कहा ना, अनीता ने दिए हैं मुझे। बस बंद करो अपना ये बकवास। भला मरी हुई लड़की फोटो कैसे दे सकती है? और अशीम को तूने अपने जाल में कैसे फंसाया? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये फोटो कहां से चुराई? मेरी बात मान जाओ वरना बहुत पछताओगे। उस रात तुम ही गए थे ना अनीता के कमरे में? हाँ। तो चुपचाप बताओ मुझे, उस रात अनीता के कमरे में क्या हुआ? बताओ अनीता ने आत्महत्या कैसे की थी? ठीक है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वही रूम नंबर 105, कमरा नंबर 105। क्या? हाँ, यही एक रास्ता है सच जानने का। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? वैसे जैसे उस दिन मैं गया था। पे पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था और अनीता वहां बेड पर सोई हुई थी। कहां? वहां बेड पर। फिर मैं डरते हुए दबे पांव अंदर गया अनीता के पास। धीरे धीरे मैं अनीता के पास गया। आकर मैंने पहले उसे जगाने की कोशिश की। अनीता, वो इस सड़ी हुई लाश थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे सीने में अचानक दर्द होने लगा और मैं आलोकेश, हो गया तेरा? आलोकेश बस कर यार। आलोकेश, तुम ये? हाँ कार्तिक, लेकिन मैं तो मेरी जान ही ले ली। अब तुम्हारी बारी है जान देने की।